हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सर, ट्वेल्थ केमिस्ट्री सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन था, हेलो एरीन पढ़ा रहे थे हम, जिसमें हेलो एरीन के बनाने की विधियां हो गया था। आज इस वीडियो में हम हेलो एरीन के जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बताएंगे, समझेंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है भौतिक गुणधर्म, क्या हो जाएगा भौतिक गुणधर्म। ओके स्टूडेंट, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। भौतिक गुणधर्म, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है हर एक मैटर में, यौगिक में पाया जाता है, ठीक। तो पहला हम देखते हैं हेलो एरीन के सामान्य भौतिक गुण जो हैं वो नीचे निम्नवत हैं, निम्नलिखित हैं। आप देखिएगा क्या होता है, ये रंगहीन ठोस होते हैं, द्रव, ठीक, ठोस भी होते हैं द्रव भी। देखते हैं पहला क्या है, हेलो एरीन क्रिस्टलीय ठोस या रंगहीन द्रव होते हैं। क्या है, ये रंगहीन द्रव होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा देखिएगा, हेलो एरीन अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल में विलयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब हेलो एरीन जो होते हैं ये अल्प ध्रुवीय, मतलब कम पोलराइज्ड होते हैं, ये आयनित कम होते हैं, ठीक। इसलिए ये क्या होते हैं, विलयता को प्रदर्शित नहीं करते, इसमें कोई चीज भूलेगा नहीं, ठीक। परंतु सभी कार्बनिक विलायकों में, जितने भी कार्बनिक विलायक हैं उसमें क्या होता है, ये विलयता प्रदर्शित करता है, ठीक। जैसे एसीटोन हो गया, डायथिल ईथर हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया, ठीक। ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक हैं, जिसमें क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक में ये विलय दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे तीसरा देखते हैं, इनमें अभिलाक्षणिक क्या होता है, इनमें अभिलाक्षणिक गंध उपस्थित होती है। मतलब आप अभिलाक्षणिक का मतलब ऐसा गंध इसमें होता है कि आप देखते ही या सूंघते ही क्या होंगे, ऐसा गंध होता है कि आपके नाक में पहुंचते ही तुरंत पता लग जाएगा कि ये यहाँ हेलो एरीन के ग्रुप का है, ठीक, हेलो एरीन का सदस्य है। आपके नाक में ऐसा गंध ये देते हैं जिससे क्या होता है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हेलो एरीन होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, इनका घनत्व तो जल की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, जैसे जल का घनत्व तो कम होता है तो इनका घनत्व तो क्या होता है, और कम होता है, जल की तुलना में, सॉरी, जल की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, इनका घनत्व तो जल की तुलना में अधिक होता है, जल की तुलना में अधिक होता है, ठीक। जल का यदि क्या है, कम है, तो इनका अधिक हो जाता है, तथा इसके घनत्व फ्लोरोबेंजीन से आयडोबेंजीन तक बढ़ते हैं। क्या होते हैं, फ्लोरोबेंजीन से आयडोबेंजीन तक बढ़ते हैं। घनत्व क्या होता है, इनका जैसे जैसे इनका भार बढ़ता जाता है, वेट बढ़ जाता है, साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। मान लीजिए अभी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, क्या है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यही मेन चीज है, क्या है, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट हमारा ये देखिए पांचवा, फोर्थ हो गया, पांचवा देखिए, इनके गलनांक व क्वथनांक के मान समान एरिल समूहों युक्त पर हैलोजन प्रमाण के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं। मतलब इनका घनत्व तो गलनांक क्वथनांक तीनों, ठीक, अभी हमने घनत्व को भी बताया जल से अधिक होता है, ठीक। अब क्या होता है, इनका जो गलनांक है क्वथनांक है समान एरिल समूह युक्त होने पर हैलोजन प्रमाण के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक। यहां देखिएगा, अभी हमने क्या बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है, भार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। ये देखिएगा हेलो एरीन, क्या लिखा है, ये हेलो एरीन, ठीक, हेलो एरीन क्या है, फ्लोरोबेंजीन, इसे क्या बोलेंगे,
फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, आयडोबेंजीन, ये हो गया। ठीक, क्या हो गया? फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयडोबेंजीन, इनका क्या होता है? गलनांक 231 सेंटीग्रेड। ठीक, 231 सेंटीग्रेड गलनांक एंड क्वथनांक क्या होते हैं? बढ़ते हैं, देखिए 358, 405, 429, 461, 231, 228, 242, 243, मतलब इनके क्या हैं? गलनांक और क्वथनांक। जैसे जैसे इनका आकार, ये देखिएगा, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे गलनांक एंड क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, समावयवी एरियल हैलाइडों में से पैरा समावयवों को गलनांक उच्चतम होता है। क्या होते हैं? अगर समावयवी एरियल हैलाइड हैं, मतलब एक से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं यदि, तो क्या होता है वो, उसका जो पैरा, अभी हमने अगले वीडियो में बताया था आर्थोमेटा पैरा क्या होते हैं, तो पैरा गलनांक सबसे उच्चतम होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। अब देखिएगा, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा भी। ठीक, फर्स्ट हमारा है नाभिक स्नेही प्रत्यस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने नाभिक स्नेही प्रत्यस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा था, जो दो प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले आप माइंड को फ्रेश करिए और बैक में जाइए, क्या हमने पढ़ाया था? SN1 ठीक एंड SN2, क्या पढ़ाया था हमने? SN1 एंड SN2 रिएक्शन को हमने पढ़ाया था। यदि वहां आपको समझ में आया होगा तो अच्छे से यहां समझ सकते हैं। ये क्या होता है? ये बाईमॉलिक्यूलर ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर और ये बाईमॉलिक्यूलर, SN2 रिएक्शन जो होता है बाईमॉलिक्यूलर, इसकी अभिक्रिया की कोट दो होती है, क्योंकि क्रियाधार इसमें दो होते हैं, इसमें क्रियाधार एक होते हैं। यह क्रिया दो पदों में होती है, क्रिया एक ही पदों में हो जाती है। ठीक, आगे देखिएगा, अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रत्यस्थापन अभिक्रियाएं। जब हैलोएरीन का हैलोजन परमाणु किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा प्रत्यस्थापित होता है, ध्यान से पढ़िएगा, जब हैलोएरीन का हैलोजन परमाणु किसी अन्य नाभिक रागी द्वारा प्रत्यस्थापित होता है, अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रत्यस्थापन कहलाती है। मान लीजिए, क्या है, हैलोएरीन में कोई स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये यक्ष लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा है? यक्ष, हैलोजन परमाणु द्वारा, अब यहां किसी हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाए, नाभिक रागी के द्वारा, अन्य नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। मान लीजिए यहां हमने लगा दिया Cl माइनस, ठीक, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण अस्थायी होता है, अतः सामान्य परिस्थितियों में हैलोएरीन के बेंजीन नाभिक SN1 अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होता है, ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या कह रहे हैं, एरिल हैलाइडों में CX आबंध अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण अस्थायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, एरिल हैलाइड में जो CX बंध होता है, अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था ये, ठीक, ये यक्ष है, इन दोनों के बीच में जो बंध होता है इसमें रिजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है अनुनाद, रिजोनेंस, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण अस्थाई होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यदि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यदि यहां से निकलता है, ठीक, तो ये फिर से क्या होते हैं, इस पर आ जाते हैं, फिर ये वाला इस पर निकलता है, फिर ये वाला इस पर निकलता है, तो ये वाला इस पर निकलेगा, तो ये वाला बाहर इस पर निकलेगा, ऐसे ऐसे फिर अस्थायित्व को प्राप्त कर जाता है। ठीक, ये होता है हमारा रिजोनेंस, रिजोनेंस आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अतः सामान्य परिस्थितियों में हैलोएरीन के बेंजीन नाभिक पर SN1 अभिक्रिया नहीं होती है। सामान्य परिस्थिति ऐसे डाल दीजिए, सामान्य परिस्थिति में कोई, या तो कोई दाब देंगे, ताप देंगे, कैटालिस्ट देंगे, तो ही प्रक्रिया होती है। केवल, देखिए आगे दिया गया, केवल उच्च, क्या है,
केवल उच्च ताप तथा दाब पर ही इनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, संभव हैं। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। जब हम उच्च ताप या उच्च दाब या अलग कैटालिस्ट देते हैं तो ही ये अभिक्रियाएं संभव होती हैं। ये हमारा हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको एक बताए दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में एक हमने बेंजीन रिंग ले लिया ये, ठीक एक्स, और हमने OH आक्रमणकारी जो है नाभिक रागी OH माइनस से हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, तो यहाँ क्या होगा, उच्च ताप होगा। ठीक, उच्च ताप कितना होगा, 3570 केल्विन हो जाएगा। ठीक, इतने ताप पर हम गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, आर ओ एच लगा देते हैं तो यक्स क्या नाम है वो एच यहां जुड़ जाएगा, आर एक्स बाहर निकल जाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये ओ एच फिनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक, अब इसके आगे हो सकता है रिएक्शन में देखते हैं आगे रिएक्शन हम क्या है। ये देखिए दिया तो गया है, ठीक क्या दिया गया है, ये क्या है हमारा एरिल हैलाइड, क्या है एरिल हैलाइड, क्या है एरिल हैलाइड। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिएगा, आप पहले इसको समझ लीजिए फिर हम आगे बताते हैं। क्या है एरिल हैलाइड, जब किसी OH नाभिक रागी नाभिक रागी प्रतिस्थापन से रिएक्शन करता है कितने 570 केल्विन पर, अभी हमने क्या बताया था 570 केल्विन पर जब ये रिएक्शन कराता है दाब उच्चतम होता है तो हमारा क्या बनता है एल्कोहल बनता है, क्या बनता है एल्कोहल। यहां देख लीजिएगा अच्छे से थोड़ा, ठीक ये एक्स हो गया, अब आर ओ एच से रिएक्शन करता है। ठीक, तो उच्च 570 केल्विन ताप है और दाब भी उच्च दाब, ठीक उच्च दाब। अब ये क्या होता है, ये रिएक्शन करेगा तो ये देखिएगा OH यहां जुड़ जाता है और प्लस RX बाहर हो जाता है। ठीक, इसे हम बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलेंगे फिनॉल, क्या बोलेंगे फिनॉल। ये हमारा है, इसे हम डाउ प्रक्रम कहते हैं, क्या बोलते हैं डाउ, क्या बोलते हैं डाउ प्रक्रम, क्या बोलेंगे डाउ प्रक्रम, इस अभिक्रिया को डाउ प्रक्रम। ठीक, अब देखिएगा ऐसे ही हमारा बनेगा, यहां आपको केवल OH माइनस दिख रहा है उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, ये ROH रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा डाउ प्रक्रम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, क्वेश्चन यदि पेपर में आपके आएगा बोर्ड पेपर में तो किस हिसाब से आता है ये आपको बताया जा रहा, कैसे आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, केवल ओनली क्वेश्चन रहेगा, इसको हम ऐसे मिटाले दे रहे हैं। ठीक, ये बस इतना हो गया, अब ये आता है ये भी नहीं रहता है। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा और कहेगा ये क्या बनेगा। ठीक, ऐसे आ जाएगा। तो यदि आपको पता होगा कि एरिल हैलाइड जब किसी दूसरे नाभिक रागी प्रतिस्थापन से अभिक्रिया करता है तो उसका हैलोजन ग्रुप उसके साथ उसके द्वारा विस्थापित हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप रिएक्शन को कर सकते हैं, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। तो मेन जो हमारा मकसद है यहां बताने का कि इसके द्वारा OH माइनस के द्वारा ये X क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है वहां, आप केवल एक स्ट्रक्चर बना के ऐसे, ठीक इतना आपको पता है कि दूसरे नाभिक रागी के द्वारा ये एक्स विस्थापित हो जाता है तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल यहां OH लगा देंगे तो अगर एक नंबर का रिएक्शन होगा तो एक नंबर आपको फुल मिलेंगे। ठीक,
यदि आप यहां लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो हो सकता है पेपर में यह दिया रहता, अधिकता से पेपर में दिया रहता है। ठीक, यदि आप जानेंगे जब कि OH- नाभिक रागी प्रतिस्थापन है जिसके द्वारा यक्ष हट जाता है, ठीक, तो आप ये प्रक्रिया तुरंत कर ले जाएंगे और आराम से देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि हाँ हम पढ़े थे और क्या हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम, क्या देखते हैं आगे, ये क्या था, एरिल हाइलाइट, क्या था, एरिल हाइलाइट, ठीक, एरिल हाइलाइट, ठीक। अब देखिएगा एरिल हाइलाइट क्या होता है, एरिल हाइलाइट जब, ये देखिएगा एरिल हाइलाइट, यहां मान लीजिए एक्स है, ठीक, यक्स के स्थान पर हम कोई ग्रुप रख दे रहे हैं, मान लीजिए सीएल है, ठीक, सीएल है। अब हम क्या करते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, सीएन से यदि रिएक्शन कराएंगे, ठीक, या आर सी एन, सी एच थ्री सी एन रख दीजिए, आर के स्थान पर सी एच थ्री सी एन कर दीजिए, ठीक, और रिएक्शन को बना दीजिए। अब ये हमारा क्या है, नाभिक रागी प्रत्यस्थापन है, इसके द्वारा ये सीएल हट जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इस रिएक्शन में, अभी हमने कहा था सामान्य परिस्थितियों में ये रिएक्शन नहीं होता, या तो उच्च दाब दीजिए या उच्च ताप दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उच्च दाब एंड उच्च ताप, तो यहां 470 केल्विन ताप होगा, कितने केल्विन ताप होगा, 470 केल्विन ताप होगा, कितने केल्विन, 470 केल्विन ताप होगा। ओके, अब क्या होता है, CuCN की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, CuCN की उपस्थिति में कराई जाती है, तो आप यहां CuCN लिखिए, ठीक, या ना लिखिए, क्योंकि हमने CH3CN यहां लगा दिया है, हमने CH3CN यहां लगा दिया, तो आप इसको लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको लिखेंगे तब इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक, ये अगर आपने यहां लिख दिया CuCN तब आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, CN माइनस लिख दीजिए यहां, और यहां लिख दीजिए CuCN माइनस 470 केल्विन ताप उच्च दाब, ठीक, उच्च दाब, ये ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, इसके द्वारा यक्ष विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्ष विस्थापित हो जाएगा, कैसे, ये देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा CN और ये हो जाएगा CL माइनस निकल जाएगा, ठीक, ऐसे होता है प्रक्रिया, अगर यहां RCN होता तो RCL बाहर निकल जाता, तब ये माइनस चार्ज नहीं लगता, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा साइनोवेंजीन, क्योंकि CN साइनो ग्रुप को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइनोवेंजीन, साइनोवेंजीन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक, अब रिएक्शन आता है तीसरा नंबर, क्या होता है, रिएक्शन आता है तीसरा, क्या है, जब हम एरिल हैलाइड को जलीय NH3 के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक, किसके साथ, जब हम एरिल हैलाइड को, यहां देखिएगा, वहां नहीं देखिएगा, ये एरिल हैलाइड को जब हम NH3 के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, द्रवीय, द्रव NH3 रहेगा, क्या रहेगा, द्रव NH3, ठीक, यहां 470 केल्विन रहेगा, और किसकी उपस्थिति में है, क्यूप्रस Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, इतना तो आपको दिया रहेगा। या क्वेश्चन आता है आपका, क्या होता है जब एल्किल, सॉरी, क्या होता है जब एरिल हैलाइड द्रव NH3 के साथ, द्रव अमोनिया के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है, तो तब आपको तुरंत वहां समझ जाना चाहिए कि NH2 जो समूह होता है वो X को विस्थापित कर देगा, क्या करेगा, X को विस्थापित कर देगा, और हमारा बन क्या जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा बन जाएगा NH
टू, और एच एक्स बाहर निकल जाता है, ये एच एक्स बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एच एक्स बाहर हमारा निकल जाता है। अब इसे हम बोलेंगे एनिलीन, क्या बोलेंगे, एनिलीन, ठीक। अब हमारा एनिलीन बन जाता है, क्या बनेगा, एनिलीन, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम एरिल हैलाइड को क्या करते हैं, द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं कि ऊपर ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर, तो हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखिए, आगे अब हम आप देख रहे होंगे यक्ष है, यक्ष ही लिख दे रहे हैं आप, यक्ष के स्थान पर हमने बताया, यक्ष के स्थान पर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, चार ग्रुप में से कोई भी आप रख सकते हैं। यदि यहां मान लीजिए हम रख रहे हैं, अभी देखिएगा, मान लीजिए हम यहां रख रहे हैं बेंजीन की उपस्थिति में, ठीक, ये हमने रख दिया सीएल, तो क्या हो जाएगा, प्लस द्रव NH3, क्या हो जाएगा, द्रव NH3 470 केल्विन ताप रहेगा, दाब भी उच्च रहेगा, ठीक, और यहां QCU2 वो क्यूप्रस ऑक्साइड रहेगा, और बनेगा हमारा क्या, देख लीजिए, ये NH2, ठीक, और ये HCl हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक। इसे बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलेंगे इसे, एनिलीन, क्या बोलेंगे, एनिलीन, एनिलीन, ओके स्टूडेंट, ये हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं क्या है, एक बार देख लीजिएगा इसको, मेन मायने रखता है आपका समझना कि आप कैसे समझते हैं, किस तरीके से समझते हैं। कुछ स्टूडेंट इसको देखते हैं तो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे क्या हो रहा है, इसलिए हमने यहां ऐसे समझा दिया कि आप इसको देखिएगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ये देखिए हैलोजनीकरण, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हैलोजनीकरण, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्या नाम है, हैलोजनीकरण, एल्किल हैलाइडों का हैलोजनीकरण हमने बताया था, यहां वही प्रोसेस अपना लीजिए, कहानी आपकी फिट हो जाएगी। ओके, आप एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखते हैं क्या है, हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन, 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 ओके, क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, जैसा कि नाम है हैलोजनीकरण, मतलब एक हैलोजन ग्रुप के जुड़ने से, ठीक है, हैलोजन ग्रुप जब जुड़ेगा तो हैलोजिनेशन जाहिर सी बात है होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं रिएक्शन को, हैलोजनीकरण में क्या देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, ठीक। ये देखिएगा, हम रिएक्शन को देखते हैं, यहां भी नहीं है पेज, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, अरे यहां भी नहीं है, चलिए यहीं से देखते हैं, नाइट्रीकरण हो गया, हैलोजनीकरण देखते हैं, ठीक। अब हम हैलोजनीकरण यहां देखते हैं, ऊपर देखिएगा हैलोजनीकरण को आप लोग, ओके, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एरिल हैलाइड है, क्या है, एरिल हैलाइड है, और एरिल हैलाइड में हमने सीएल को रखा है, किसे रखा है, सीएल को रखा है, आप ब्रोमो भी रख सकते हैं, फ्लोरो भी रखते हैं, आयडो भी रख सकते हैं, ठीक। तो हमने यहां क्या रखा, क्लोरो रखा है, क्या रखा है, क्लोरो रखा है, क्या रखा है, क्लोरो बेंजीन, हमने लिया क्या, क्लोरो बेंजीन, ये हमने ले लिया क्लोरो बेंजीन, और किससे रिएक्शन हो रहा है, किसी भी ग्रुप से रिएक्शन करवा दीजिए आप। तो मान लीजिए हम करवा रहे हैं रिएक्शन VR के साथ करवा रहे हैं, ठीक, VR2 किसकी उपस्थिति में हो रहा है, Fe की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रहा है। यदि आप Fe कैटालिस्ट नहीं डालेंगे तो यह रिएक्शन संभव नहीं है, इसलिए Fe कैटालिस्ट को आपको जरूर डालना है। अब यहां बात आती, कुछ लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे सर ये क्यों Fe क्यों डालते हैं, Fe ना डालें तब क्या होगा, भाई रिएक्शन नहीं होगा,
क्योंकि होगा रिएक्शन, नहीं होगा का मतलब होगा रिएक्शन लेकिन थोड़ा लेट में होगा, हो सकता है एक दिन में हो, छह महीने में हो, एक साल में हो, दस साल में हो रिएक्शन। कैटालिस्ट का मींस यही होता है कि क्रिया के दर को ये बढ़ा देता है। ठीक, क्या करता है, क्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे आपको भूख लगी है, आप थोड़ा खाना खाए और चलने लगे, लेकिन आपको एनर्जी युक्त खाना दे दिया जाए तो क्या होगा, तेजी से चलेंगे, है ना, तेजी से एनर्जी आ जाएगी। उसी प्रकार क्या है, ये क्या है, वीआर के साथ ये रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये यहां सीएल यहां वीआर जुड़ जाएगा, ठीक, प्लस सीएल वीआर, ये अल्प मात्रा में बनता है, क्या बनता है, अल्प मात्रा और इसका ज्यादा मात्रा, या यूं कह लीजिए ये क्या है, इसे बोलते हैं मुख्य उत्पाद, क्या बोलेंगे इसे, मुख्य उत्पाद, क्या बोलेंगे, मुख्य उत्पाद, उत्पाद, ठीक, क्या है, अब देखिएगा आप, निर्जल Fe3+ या AlCl3 अथवा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोएरिन हैलोजीकरण अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीशीज जो होता है एक्स प्लस होती है, होता है, देखिएगा, चाहे यहाँ Fe रख दीजिए आप, या AlCl3 रख दीजिए, या Fe2+ रख दीजिए, ठीक है, Fe2+3 कुछ भी आप रख दीजिए, जब ये क्या करता है, अल्प ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो बेंजीन, ठीक है, सॉरी आर्थो ब्रोमो, ठीक, आर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम यदि हम देखेंगे तो यहां नाम देख लीजिए, ये आर्थो पर बी आर लगा है तो आर्थो ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्थो ब्रोमो, क्या हो जाएगा, आर्थो ब्रोमो, ठीक, अब क्लोरो बेंजीन है तो यहां लिख दीजिए क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ओके, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा, क्या हो जाएगा नाम इसका, पैरा, इसका नाम हो जाएगा पैरा, पैरा क्लोरो, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक, ये अल्प मात्रा में मिलेगा, मतलब थोड़ी मात्रा में, मुख्य उत्पाद हमारा क्या रहेगा, पैलर पैरा क्लोरो बेंजीन, ओके, वही दिया गया है, यहां आप देख लीजिएगा, अब यहां आप देखिए अच्छे से, अभी आ जाएगा, यदि मान लीजिए बीआर हम नहीं रखते हैं, पहले इसको देख लीजिए, यदि हम मान लीजिए बीआर नहीं रखते सीएल रख देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, ये सीएल हो जाएगा और ये सीएल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, यहां पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि क्लोरो दो बार हो जाएगा इसलिए पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, ठीक, आगे देखते हैं हम, ये हमारा एरिल हैलाइड है, क्या है, एरिल हैलाइड है, जब X2 के साथ रिएक्शन करता है 1,2-dihalobenzene, मतलब यहां यदि सीएल रख दीजिए, यहां सीएल रख दीजिए, यहां सीएल, यहां सीएल, तो क्या हो जाएगा, पैरा 1,2-dihalobenzene, मतलब क्लोरोबेंजीन यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, यहां क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक, समझ में आई बात, आगे देखते हैं हम, सल्फोनीकरण क्या है, सल्फोनीकरण को देखते हैं, क्या देखते हैं हम, सल्फोनीकरण, ठीक, सल्फोनीकरण में क्या है, हैलोबेंजीन को सधूर्म मतलब कंसंट्रेट, कंसंट्रेट H2SO4 अथवा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, ठीक, एक हो जाएगा डाइल्यूट, एक हो जाएगा कंसंट्रेट, इसे हम डाइल्यूट, सधूर्म को डाइल्यूट बोलते हैं और इसे कंसंट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट, हैलोबेंजीन को सधूर्म H2SO4 अथवा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर सल्फोनीकरण की क्रिया होती है, क्या होती है, सल्फोनीकरण की क्रिया होती है, रिएक्शन आप देख लीजिए क्या दिया गया है, हैलोबेंजीन को H2SO4 का साथ रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं तो 2-chlorobenzene सल्फोनिक अम्ल, 2-chlorobenzene सल्फोनिक अम्ल, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4-chlorobenzene सल्फोनिक अम्ल, मींस यदि हम यहां कोई एक ग्रुप लगा देते हैं, ये देखिएगा, हमने एक ग्रुप लगा दिया, क्या
क्लोरीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह अभिक्रिया क्या देती है, दो भागों में देती है हमें, ठीक, ये हो जाएगा हमारा SO3H, ठीक, और ये हो जाएगा Cl प्लस क्या हो जाएगा, एक अल्प मात्रा में बनेगा, एक ज्यादा मात्रा में, ठीक, ये हो जाएगा SO3H हो जाएगा, ठीक, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लेकिन जिस ग्रुप पर होगा ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 1, 2, 3, 4, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक, ये मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा हमारा, इसे मुख्य बोलते हैं, उसे अल्प मात्रा में मिलेगा, ठीक, इसका कोई मीन्स नहीं रहेगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा मिलेगा और ये ज्यादा मात्रा में हमें मिलेगा, ठीक। सल्फोनीकरण बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल HSO क्या H2SO4 होगा, ठीक, SO3H को जोड़ देना है, ठीक, क्या जोड़ देना है, SO3H को जोड़ देना है, एक O और दो HO और यहां से H जो निकलेगा वो पानी बन के बाहर निकल जाएगा, दैट्स ऑल। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है, नाइट्रीकरण, क्या है, नाइट्रीकरण, हैलोबेंजीन सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ नाइट्रीकरण पर आर्थोपैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या होता है, जब हम किसी भी हैलोजन ग्रुप को या हैलोएरीन को क्या करते हैं, हैलोएरीन को क्या करते हैं, H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस HNO3, ठीक, HNO3 की उपस्थिति में, ये दोनों क्या है, सांद्र है, कंसंट्रेट है, की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, आर्थो एंड पैरा, देखिएगा क्या होता है, आर्थो एंड पैरा, ये Cl और यहां क्या हो जाएगा NO2, ठीक, और यहां दूसरे में क्या हो जाएगा, पैरा, ठीक, NO, यहां क्या हो जाएगा, Cl NO2, और ये हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा, क्या रहेगा, ये मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा, ये अल्प मात्रा में मिलेगा, ठीक, इसे आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ करना नहीं है, आप एक बार कॉपी और पेन लीजिए और बैठ के करिए, आराम से आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, देखिएगा यहां देख लीजिए, ये एक्स ग्रुप है, क्या है, एक्स ग्रुप लगा हुआ है, इसे हैलोजन के नाम से जानते हैं, जब हम सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो 1-halo-2-nitrobenzene अल्प मात्रा में मिलता है, या इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, मान लीजिए यहां Cl लग गया तो क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहां Cl लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ठीक, ये रिएक्शन है, VIP डाल लीजिए, ये हमेशा किसी ना किसी माध्यम से आते रहते हैं बोर्ड पेपर में, इसलिए इसको हमें पढ़ना अति आवश्यक है। क्या है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हैलोएरीन एल्किल हैलाइड के साथ एल्काइलीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं, यहाँ आक्रमणकारी स्पीशीज CH3+ होता है। मेन बात समझने वाली क्या है, कि ये एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, हैलोएरीन एल्किल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करते हैं, यहां देख लीजिएगा क्या है, ये हमारा हैलोएरीन है, क्या है, हैलो, क्या है, हैलोएरीन है, हैलो एरीन, ठीक, ये है किसके साथ, एल्किल हैलाइड से, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक, एल्किल हैलाइड के साथ जब AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो आर्थो हैलो टालुइन और पैरा हैलो टालुइन मुख्य उत्पाद के रूप में देता है, ठीक। आइए हम एक करवा के दिखाते हैं आप लोगों को, देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है, आप केवल समझिएगा कि हम क्या करते हैं, हैलो एरीन को एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आर्थो और पैरा
दोनों बनते हैं, क्या बनते हैं, आर्थोपैरा टॉलुइन बनते हैं, क्या बनते हैं, क्योंकि मुख्य जो होता है स्पीसीज आक्रमणकारी वो CH3 प्लस होता है, इसलिए अगर बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ता है तो टॉलुइन का नाम होता है या टॉलुइन बनता है, इसलिए हम क्या होंगे, पैरा और आर्थो दोनों प्रकार के टॉलुइन मिलते हैं। हम देखते हैं कैसे, देखिएगा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ये, ठीक, हम यहां कर देते हैं BR, क्या कर देंगे BR कर देते हैं या Cl ही रखते हैं, चलिए Cl ही रखते हैं। अब किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बनता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक, किसके साथ, निर्जल Cl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा हमारा, दो उत्पाद बनते हैं, एक आर्थो का बनेगा दूसरा पैरा का बनेगा, ठीक, तो Cl और CH3 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH और CH3 दूसरा उत्पाद हमारा क्या बनेगा, सेम पहले जैसा रिएक्शन है, कुछ बदलाव नहीं है, केवल आपको माइंड में ये रखना है कि कौन सा कैटालिस्ट है और कौन सा कैटालिस्ट नहीं है, कितने सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं और कितने सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, ठीक, CH3। अब ये क्या है, पैरा पोजीशन पर जुड़ा है तो इसलिए पैरा हैलो टॉलुइन बोलेंगे, ठीक है, ये मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा, क्या रहेगा, मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा, ये अल्प उत्पाद के रूप में रहेगा। अब देखिएगा यहां हम एक बार और समझा दे रहे हैं, जब एरिल हैलाइड को एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आर्थो हैलो आर्थो क्लोरो टॉलुइन और पैरा क्लोरो टॉलुइन बनता है, ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को समझाइए, डू अंडरस्टैंड वाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके, अब आएगा, आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक, एल्काइलेशन के बारे में। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एसाइलेशन शायद होगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको CH3 को जोड़ देना है, केवल कहां, आर्थो पर एंड दूसरे में पैरा पर जोड़ देना रहता है, कुछ करना नहीं है आप लोगों को, केवल इतना ध्यान रखिए कि किससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, किससे रिएक्शन करा रहे हैं और उत्पाद हमारा कौन सा बनता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, आगे रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट नेक्स्ट आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या आएगा, एसाइलेशन, ठीक, अभी तक हमने पढ़ा एल्काइलेशन, अब पढ़ेंगे एसाइलेशन, इसमें कुछ, इसमें भी वही सेम पोजीशन है, कुछ करना नहीं, केवल आक्रमणकारी अभिकारक को हमने बदल दिया है, बस कुछ करना नहीं है, क्या है देखते हैं, हैलोएरीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल हैलाइड से कराने पर आर्थोपैरा एसिल प्रतिस्थापन हैलोबेंजीन बनती है, यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाती है। सेम चीज है, केवल हमने यहां क्या आक्रमणकारी को बदल दिया है, एसिल हैलाइड हमने कर दिया है, ठीक, वहां एल्किल हैलाइड था, यहां एसिल हैलाइड, केवल इतना अंतर है, क्या था वहां एल्काइलेशन में, क्योंकि उसका नाम ही है एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन है तो एल्किल होगा, जाहिर सी बात है, इसका एसिलीकरण है तो क्या हो जाएगा, एसिल हैलाइड होगा, बस इतना ही अंतर है। देखिएगा एसिल हैलाइड में हमने लिया है, क्या लिया है, एसिटिल क्लोराइड हमने लिया है, क्या बोलेंगे इसे, एसिटिल, क्या बोलेंगे, एसिटिल, क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसे, एसिटिल क्लोराइड कैसे लिखा जाएगा, एसिटिल क्लोराइड, ठीक, ये ऐसे लिखा जाएगा, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक, एसिटिल हैलाइड, एसिल हैलाइड को हमने लिया तो एसिटिल क्लोराइड, जब हम एरिल हैलाइड को क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा आर्थो हैलोएस्टोफिनॉन अल्प मात्रा में और पैरा हैलोएसिटोन एस्टोफिनॉन मुख्य उत्पाद के रूप में रहता है, ठीक, कैसे रिएक्शन होता है एक बार इसको देख लीजिएगा, यहां हम लेते हैं, ये देखिएगा, एक हम ले रहे हैं, यहां क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल आपका ले रहे हैं, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, हैलोएरीन हो गया, यहां हमने VR रख दिया, या हां चलिए आज VR, अब VR ही रखते हैं, ठीक, अब क्या हो जाएगा, VR हमने रख दिया, ठीक, अब क्या हो जाएगा,
किसके साथ रिएक्शन करता है? एसिल हैलाइड के साथ, तो प्लस सी एच थ्री सी ओ सी एल। एस्टिल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराया, निर्जल ए एल सी एल थ्री की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा? निर्जल। ठीक, लिख दीजिए यहां गर्म करने पर, गर्म करने पर। ओके, तो हमारा बनता क्या है? हमारा क्या बनेगा देख लीजिए ध्यान से, एक हमारा बनेगा आर्थो। कभी भी आप बनाइएगा तो ऐसे ना बनाइए, इस तरीके से बनता है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा वी आर और यहां हमारा हो जाएगा सी ओ सी एच थ्री। दूसरा उत्पाद हमारा क्या बनेगा? दूसरा उत्पाद हमारा बनेगा, ठीक, दूसरा उत्पाद ये बन जाएगा ये वी आर और ये हमारा बन जाएगा, यहां जुड़ जाएगा सी ओ सी एच थ्री, ये बन जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आर्थो ब्रोमो एस्टोफिनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम? लिख दे रहे हैं आर्थो, ठीक, ब्रोमो, आर्थो ब्रोमो, आर्थो ब्रोमो एसीटो, एसीटो फिनोन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप बस। ठीक, ये हमारा अल्प मात्रा में होगा। क्या होगा? ये अल्प मात्रा में मिलेगा। कैसे मिलेगा? अल्प मात्रा में, और ये ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा, पैरा, ठीक, पी लगा देंगे तो पैरा हो गया, पैरा ब्रोमो, ठीक, पैरा ब्रोमो एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक, एसीटोन ग्रुप जुड़ गया सी ओ सी एच थ्री, तो फिनोन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पिरिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, केवल इतना ध्यान रहे पिरिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पिरिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कुछ करना नहीं है। यहां केवल चेंज कर देना आक्रमणकारी अभिकारक को, चेंज कर देना है। वहां एल्किल हैलाइड था, यहां एसिल हैलाइड है सी एच थ्री सी ओ सी एल, एस्टिल क्लोराइड है। ठीक, आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हो गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ठीक, क्या है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं को अब हम देखते हैं। ठीक, क्या है कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं? कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में हैलोएरीन कुछ क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती हैं। ठीक, पहला क्या है हमारा? बुट्ज, बुट्ज, ठीक है, नहीं रहेगा बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, क्या हो जाएगा? बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, तो देखते हैं क्या किसी एरिल व एल्किल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया, क्या करते हैं? किसी एरिल व एल्किल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होती है। यह क्रिया बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है? जब हम एरिल व एल्किल हैलाइड को लेते हैं, इससे पहले भी बुट्ज अभिक्रिया आपने पढ़ा था। ठीक, तो एरिल व एल्किल हैलाइड के मिश्रण की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या होता है? प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होती है। यह क्रिया बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं हम क्या है बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, क्या है बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया? अब हम पेज खाली नहीं, पेज देखते हैं यहां, ये यहां लिख दे रहे हैं बुट्ज, बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया, बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, ये हमारा है। अब हम बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया को पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं बुट्ज फिटिंग अभिक्रिया को। हमने एरिल हैलाइड को यहाँ ले लिया। ठीक, किसे ले लिया? एरिल हैलाइड को हमने ले लिया। मान लीजिए X के स्थान पर हम रख दे रहे हैं Cl, ठीक, प्लस CH3Cl। ओके, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, कैसे? ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है, देखिएगा क्या बन रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा,
ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ CH3 टालुइन बनेगा। क्या बनेगा? एक चीज छूट गया है यहां, देखिएगा किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में 2Na कर देते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं 2Na प्लस 2Na, ठीक, क्या हो जाएगा प्लस 2Na हो जाएगा, तो क्या हमारा निकल जाएगा प्लस 2NaCl निकल जाएगा। ओके, देख लीजिए इस रिएक्शन को, हो गया। अब आगे देखते हैं हम, ठीक, आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखते हैं यदि यही अभिक्रिया क्या होती है, Cl है ब्रोमो कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां 2Na जरूर लिखिएगा, ठीक, ये यहां केवल जुड़ जाएगा आके और Cl बाहर हो जाएगा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, बुड स्विटिंग क्रिया हो गया। आइए देखते हैं हम उल्मान रिएक्शन को, जब आइडो एरीन को एक बंद नली में ताम्र चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइफेनिल बनता है। ओके स्टूडेंट, अब क्या होता है, हम देखते हैं आइडो बेंजीन को लेते हैं, दो मोल आइडो बेंजीन का लेंगे, आई प्लस 2Cu कापर चूर्ण के साथ प्लस, ये देखिएगा आई, ठीक, ये हमारा क्या हो गया आइडो बेंजीन, दो हो गए, दो मोल हो गए और 2Cu के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है हमारा, बनता है किसकी उपस्थिति में, कापर चूर्ण की उपस्थिति में, गर्म किया जाता है, यहां लिख दीजिए गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक, क्या बनेगा हमारा, देखिएगा क्या बनता है, डाइफेनिल, क्या बनेगा डाइफेनिल, यहां ध्यान दीजिएगा इस बात को, डाइफेनिल, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा बन गया, इसे बोलते हैं डाइफेनिल, क्या बोलेंगे डाइफेनिल। ओके स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हम डाइफेनिल, और हमारा क्या निकल जाएगा प्लस 2CuI निकल जाएगा, ये ठीक, क्या निकल जाएगा 2CuI हमारा निकल जाएगा, ये हमारा हो गया उल्मान रिएक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे उल्मान रिएक्शन, उल्मान महोदय ने इसका खोज किया था इसलिए उल्मान रिएक्शन बोलते हैं। कुछ करना नहीं इसमें, हमें दो मोल आई का लेना है, अगर इसको आप नहीं लगाते हैं तो यहां 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ये देखिएगा यहां आई कर दीजिए, यहां 2 लगा दीजिए, प्लस 2Cu गिव्स हमारा डाइफेनिल बन जाता है। ऐसे बनाने का मकसद ये है, ऐसे बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे जुड़ रहा है, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा डाइफेनिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाइफेनिल, डाइफेनिल, आप ऐसे भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आपको दिख रहा है कि कैसे ये अटैक करता है और कैसे जुड़ता है, ये बाहर ब्रेक होगा, ठीक, और 2CuI आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ के डाइफेनिल का निर्माण कर देते हैं, ये हमारा उल्मान रिएक्शन हो गया। सो स्टूडेंट, आज यहीं तक, आप अच्छे से पढ़िएगा कॉपी, जब भी आप पढ़िए कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि जो यहां पढ़िए पोस्ट करके उस रिएक्शन को लिखते रहिए। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।